स्टेटमेंट हमने सुने होंगे या हमें रूबरू हम इससे हुए होंगे, जैसे शायद बरसात होगी, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, आपको पता नहीं, हो सकता वो पास भी हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी तो बहुत है लेकिन पता नहीं है, हो सकता है कि कोई और साहब भी आ जाए इसमें, चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप, चांसेस हैं, हो सकता ना भी हो सकता हो जाए, 50-50 चांस है कि इंडिया मैच जीते या फिर इंडिया विनिंग अ टॉस इन टुडेज मैच, तो जो ये प्रोबेबिलिटी है, डाउट है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, चांसेस, ये सारे शब्द इसलिए आए हैं क्योंकि आप अनसर्टेन हैं, आप पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि सन राइजेस वेयर, ईस्ट वेस्ट, आपको पता है कि वो कहाँ राइज करता है, वो बिल्कुल सत्य है, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। जैसे प्रोबेबली रेन का मतलब ये है कि हो सकता है रेन हो ना हो, यानी कि हम ये जरूर कर सकते हैं कि हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, अगर मानसून का समय चल रहा है और मानसून में आप कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है बरसात हो, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अगर ऐसे समय बरसात की बात कर रहे हैं जिस समय बरसात होती ही ना हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है। जो अनसर्टेनिटी है, प्रोबेबली जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब ये है, जो प्रोबेबली का मतलब है, यहीं पे हम इसको प्रोबेबली को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, खासतौर पे जहां गैम्बलिंग वगैरह होती है, और गैम्बलिंग ही नहीं बल्कि जितने भी साइंसेज हैं, फिजिकल साइंस, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंसेस, मेडिकल साइंसेज, वेदर फॉरकास्टिंग, ऐसे बहुत सारी विधाएं हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। प्रोबेबिलिटी, इसका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के बारे में बात करेंगे, पास्कल साहब हैं, फॉर्मेट साहब हैं, और बड़े स्ट्रेंज तरीके से आई थी 1654 में, 1654 में एक गैम्बलर थे शिवालियर, ये क्या इन्होंने क्या किया, ये आए फिलोसोफर एक साहब थे हमारे पास्कल साहब, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, वो आए और उन्होंने एक डाइस प्रॉब्लम इनके साथ डिस्कस की। अब पास्कल साहब थे ये फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, उन्होंने इसको स्टडी किया और इसको डिस्कस किया फ्रेंच मैथमेटिशियन फॉर्मेट साहब से, दोनों ने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया, वहां से शुरुआत हुई प्रोबेबिलिटी थ्योरी की। तो जो पहली बुक इस सब्जेक्ट पे आई वो इटालियन मैथमेटिशियन सी मिस्टर कैडन साहब ने इसको लिखा, जो टाइटल था वो था बुक ऑन गेम्स ऑफ चांसेस, पब्लिश की गई थी 1663 में, 1663 में। तो इसमें बर्नौली साहब, लैपलास साहब, मार्को साहब और कॉलमोगोरोव साहब, सभी का बहुत योगदान है। अब ऐसे जैसे आपके पास कॉइन है, इसको टॉस करते हैं, हेड आता है, टेल आता है, या डाई होती है जिसके छह फेसेस होते हैं और सब में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से बिंदु बने होते हैं, तो जो आता है उसको हम कहते हैं आउटकम। तो हम देखेंगे कि क्या चांसेस हैं ये आउटकम आने के किसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम करें। जैसे एक कॉइन उठाइए, उसको 10 बार आप टॉस करिए, आप देखिए क्या आता है, हेड आता है कि टेल आता है, अपने ऑब्जर्वेशन यहां पर लिखिए और फिर आप देखिए कि कितनी बार आपका हेड आया। मान लीजिए आपने 10 बार किया, मान लीजिए 4 बार आपका हेड आया, 6 बार आपका टेल आया, तो 4 इसको लीजिए, डिवाइड बाय कर दीजिए कितने बार आपने कॉइन को टॉस किया, 10 बार किया ना, ऐसे यहां 6 बार टेल आया तो डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए इसको, इसी को 20 बार करिए, इसी को करते रहिए, मतलब और भी ज्यादा इसको कर लीजिए। जैसे ही आप देखेंगे कि जो आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की वो करीब 0.5 के पहुंचने लगेगी, तो या 0.5 के आसपास होगी, यही काम आपके टेल के साथ होगा। अब क्या करिए, एक और एक्टिविटी देख लीजिए, अपने क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दीजिए, ग्रुप में बांटिए 2 और 3 स्टूडेंट के ग्रुप, 2 भाग में नहीं, 2 और 3 स्टूडेंट के ग्रुप में। अब इनको कहिए कि 15 कॉइन आप कॉइन लीजिए और टॉस करिए, इनके ऑब्जर्वेशन लीजिए और फिर उसको बोर्ड ब्लैक बोर्ड में लिखने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या इनका रिजल्ट आता है। इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे क्योंकि हम जोड़ेंगे सबको।
जैसे ये ग्रुप है, 1, 2, 3, 4 ग्रुप बना दिया आपने। अब इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ हेड्स हमारे तो 3 बार आए, हमारे 12 बार आए, मतलब 15 बार आपने कॉइन को टॉस किया। पहले ग्रुप ने कहा कि 3 बार ही हेड आ पाया, दूसरे ने कहा 7 बार हेड आया, 8 बार फिर आया, ऐसे करके आगे बढ़े। अब देखिएगा आप कि हेड 3 बार आया और कुल मिला के कितने ऑब्जर्वेशन थे, 15, 3/15। ऐसी जो टोटल क्यूमुलेटिव टेल आए जब हमने इसको और बढ़ाया, तो अगर 15 में अगर 3 आपके हेड आए तो कितने 12 टेल बचे ना, तो 12/15 टेल है, कुल मिला के 15 जो है ऑब्जर्वेशन है आपके। यहाँ पर यही काम किया हमने, 7 हमारे पास ये आए, 7 हेड आए आपके, इस 7 के साथ ये 3 को जोड़ दीजिए, इस 15 के साथ इस 15 को जोड़ दीजिए, क्योंकि 15 बार किया आप, 15 और 15, क्योंकि अगली बार भी 15 में किया ना। इसी तरीके से ये 10/30 आ गया, अगली बार क्या करिए, इस 10 को जोड़ दीजिए, इस 10 को इस 7 के साथ, क्योंकि इस बार 7 आए, और क्योंकि ये 15, 15, 30 हो गए थे, आप 15 बार और किया आपने, तो 15 के साथ 30 जोड़ दीजिए, तो 17/45। इसी तरीके से टेल का भी कर लीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें, क्या ये 0.5 के करीब आ रहे हैं? बिल्कुल करीब आ रहे हैं। एक और एक्टिविटी देखिए, डाई है जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक बक्सा बॉक्स होती है, छोटा सा बॉक्स होता है वो, और वो बेसिकली वो क्यूब होता है, और हर साइड में एक एक पॉइंट बने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट बने होते हैं। तो इसको जो डाई है इसको थ्रो करिए और देखिए कितने बार 1 आता है, 2 आता है, कितने बार 3 आता है, कितने बार 4 आता है, कितने बार 5 आता है, 6 आता है। तो जितने बार 1 आया वो यहाँ लिख दीजिए, और कितने बार आपने इसको फेंका, 2 कितने बार आया, इस तरीके से 6 कितने बार आया। अब ये देखिएगा कि इसको आप 40 बार कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ 50, 100 कितने बार भी कर लीजिए, आप देखेंगे कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी करीब 1/6, 2 आने की भी इतनी, 3 आने की भी इतनी, इसके करीब आ जाएगी। यानी कि जब आपके ऑब्जर्वेशन बढ़ने लगते हैं तो ये थोड़ा मिडिल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि इक्वली लाइकली है, एक अगर कॉइन को टॉस करें तो हेड की भी उतनी पॉसिबिलिटी है जितनी की टेल की है, इसकी 50% है, इसकी भी 50% है, तो दोनों में हेड और टेल में आप ये नहीं कह सकते कौन सा आएगा। तो इसलिए आप जब देखेंगे कोई भी ऑब्जर्वेशन लेंगे और जितने बार नंबर ऑफ टेल्स आए और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, या हेड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आप देखेंगे ये और ये करीब पहुंच जाएंगे 0.5 के, यही डाई के साथ। तो अब इसको भी इसी तरीके से करेंगे, क्यूमुलेटिव बनाएंगे, सेम चीज़ काम करेंगे, आप देखेंगे कि हर एक की आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 आएगी। अब 2 कॉइन को टॉस करिए, ऐसे 1 था, अब दोनों को टॉस करिए। अब आप देखिए कि जो नंबर ऑफ टाइम्स द 2 कॉइन्स आर टॉस, दोनों को करिए और देखिए कितने बार, जैसे 2 कॉइन टॉस करें तो हेड आ सकता है दोनों में, हेड टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, ये 4 पॉसिबिलिटी है। तो कितने बार कोई भी हेड नहीं आया, कितने बार 1 हेड आया, कितने बार 2 हेड आया, ये हमारी ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। तो यहाँ पर जितने बार 1 भी हेड नहीं आया डिवाइडेड बाय कितने बार आपने कॉइन को टॉस किया, इस तरीके से कितने बार 1 हेड आया, कितने बार आपने कॉइन को टॉस किया, और कितने बार 2 हेड आया, और कितने बार आपने कॉइन को टॉस करके इसका डिवीजन ले लीजिए। आप ये देखेंगे कि जैसे आप ये नंबर बढ़ाते रहेंगे तो ये जो ए और बी और सी की वैल्यू है, जो अभी ए और बी मैंने आपको दिखाया और ये सी है, ये वाला, इनकी जो वैल्यू है ए बी और ये जो सी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0.25 के करीब आने लगेगी, इससे करीब आएगी। तो ध्यान रखिएगा कि हर एक बार जब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, या हम डाई फेंक रहे हैं, या 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं ट्रायल। क्या कहते हैं? ट्रायल। ट्रायल एक ऐसा एक्शन है जिसकी एक या एक से अधिक आउटकम आ सकते हैं। जैसे अगर आप कॉइन टॉस करेंगे तो 2 आ सकते हैं हेड टेल, अगर आप डाई फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो हेड आने का, जो आपने कहा कि भाई एक हमने एक एक्टिविटी की, ये ट्रायल की, तो एक इवेंट है जिसमें हेड आया, तो अगर एक टेल एक ऐसा इवेंट है जिसमें टेल आया, ऐसी आप कह सकते हैं। डाई में कभी 2 आ सकता है, कभी 6 आ सकता है, कभी 4 आ सकता है, तो ये 3 अगर एक आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसी तरीके से इवेंट में आप कह सकते हैं कि इवेंट बेसिकली होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए ये वो सारे कलेक्शन है जो आप आउटकम ले रहे हो उस एक्सपेरिमेंट से। अब कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे जो एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है, जो अभी हमने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए
वो सारी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पे जो चीज़ आती है उसे हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एम्पेरिकल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ मैथमेटिक्स से नहीं आई है, जो ऑब्जर्वेशन से आई है, जो एक्सपेरिमेंट से आई है, तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है जिसको हम पी प्रोबेबिलिटी के लिए ब्रैकेट में ई यानी कि इवेंट लिखते हैं। ये होती है कितने आपने ट्रायल किए, नंबर ऑफ ट्रायल्स विच हैज हैपेंड, और कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, यानी वो इवेंट जो आप चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि हेड लाइए मेरे लिए, तो हेड कितने बार आया वो यहाँ पर आएगा, और कितने बार आपने कॉइन टॉस किया वो यहाँ पर आएगा, राइट। इसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ।